हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी ने फिर आजादी दिवस पर बोला झूठ। आरटीआई में खुलासा, मुद्रा योजना में केवल 1.45% लोगों को मिला पर्याप्त लोन। प्रधानमंत्री मोदी ने 72वीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपना भाषण दिया। उन पर अक्सर भाषण में झूठ बोलने या फर्जी आंकड़े देने के आरोप लगते रहे हैं। आज भी उन्होंने ही कुछ ऐसा किया है। रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर इस सरकार को सभी शहरों और समुदायों की ओर से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो ये लाजमी था कि प्रधानमंत्री आज रोजगार को लेकर कुछ न कुछ कहते, लेकिन उन्होंने आधे अधूरे आंकड़े देकर लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश की। पीएम मोदी ने लाल किले से खड़े होकर कहा कि उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को लोन देकर स्वरोजगार दिया, लेकिन क्या ये सही है? एक आरटीआई में हुए खुलासे के मुताबिक 90% से ज्यादा लोगों को इस योजना के अंतर्गत जितना पैसा दिया गया है उसमें किसी तरह की रेडी तो लगाई जा सकती है, लेकिन इससे बड़े स्तर पर कोई कारोबार जैसे दुकान भी खोली नहीं जा सकती। रेडी लगाना प्रधानमंत्री मोदी की पकौड़ा रोजगार योजना के मुताबिक तो बेहतर स्वरोजगार हो सकता है, लेकिन आम धारणा में इस वित्तीय स्तर के काम को बेहतर स्वरोजगार नहीं माना जाता है। इस स्तर पर काम करने वाले लोग खुद भी इस काम से खुश नहीं हैं। प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना की शुरुआत स्वरोजगार के नजरिए से की गई थी। इसकी शुरुआत अप्रैल 2015 में हुई थी। मुद्रा योजना के तहत 3 श्रेणियों में कर्ज दिया जाता है, शिशु, किशोर और तरुण वर्ग। शिशु वर्ग के तहत 50,000 रूपए तक का कर्ज मुहैया कराया जाता है। किशोर वर्ग में 5 लाख तक का लोन लेने की सुविधा है। वही तरुण वर्ग के आवेदक 5 से 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। वर्तमान समय में महज 50,000 की रकम के साथ कोई भी व्यापार या उद्योग शुरू करना मुश्किल है, इसलिए युवाओं को बड़े कर्ज की आवश्यकता होती है, लेकिन यही सरकार कदम पीछे हटा रही है। इंडिया टुडे को एक आरटीआई के जवाब में पता चला है कि इस योजना के अंतर्गत 3 अगस्त 2018 तक 13.47 करोड़ लोगों को लोन दिया गया है। इसमें से 12.23 करोड़ लोगों को शिशु लोन यानी 50,000 रूपए के लोन दिए गए हैं। 1.4 करोड़ लोगों को 50,000 रूपए से 5 लाख रूपए तक के लोन दिए गए हैं और 19.60 लाख लोगों को 5 लाख रूपए से ज्यादा के लोन दिए गए, यानी केवल 1.45% लोगों को स्वरोजगार बनने लायक लोन दिया गया। 90% लोन लाभार्थियों को 50,000 की रकम के लोन देकर 13 करोड़ लोगों को अपने पैरों पर खड़े करने का फर्जी दावा प्रधानमंत्री को आजादी दिवस पर सभी के सामने नहीं करना चाहिए था। क्या ये मान लिया जाए कि अपनी सरकार का निकम्मापन छुपाने के लिए उन्हें जनता से झूठ बोलने और फर्जी आंकड़े देने की आदत हो चुकी है? अमित शाह के हाथों हुआ तिरंगे का अपमान। कांग्रेस नेता बोली, जो तिरंगा फहराने के आदि नहीं उनके साथ ऐसा ही होता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने तिरंगे का अपमान किया तो कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेरा ने सोशल मीडिया पर शाह को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा, आरएसएस विचारधारा को तिरंगा फहराने की आदत नहीं है, ऐसा तो होना ही था। सत्ता के लालच में अपनी विचारधारा को छिपाना पड़ रहा है, लेकिन साहिब के नानो भाई इधर फेल हो गए मगर देश को लूटने में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गौरतलब हो कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया, मगर इस बीच अमित शाह से बड़ी चूक हो गई। झंडा फहराते वक्त शाह के हाथ से रस्सी छूट गई और झंडा गिर गया। इस वीडियो को डीडी न्यूज पर चलाया जा रहा था, जिस दौरान अमित शाह झंडा फहरा रहे थे उस दौरान उनके साथ एनसीसी के जवान भी मौजूद थे। एक जवान ने शाह की मदद की मगर तब तक देर हो चुकी थी और झंडा जमीन पर कुछ सेकंड के लिए गिर चुका था। रुपए को 40 में लाने के वादे के साथ सत्ता में आए मोदी जी ने 70 के पार पहुंचा कर देश को 71वें स्वतंत्रता दिवस का तोहफा दिया है, कहते हैं आनंद शर्मा। रुपया लगातार गिरावट के नए रिकॉर्ड बना रहा है। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 70 के आंकड़े को भी पार कर गया। इस साल 1 जनवरी को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 63.38 के स्तर पर था। इसके बाद से इसमें ज्यादातर गिरावट का ही दौर देखने को मिला।
इस साल की शुरुआत से रुपए में अब तक 10% और इस महीने में अब तक 2.4% की गिरावट आ चुकी है। डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार आ रही गिरावट को लेकर केंद्र की मोदी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। अब कांग्रेस सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने डॉलर के मुकाबले रुपए को 40 में लाने का वादा किया था, लेकिन 4 साल में 70 पर पहुंचा दिया, यानी किए गए वादे से 30 रुपए ज्यादा। कांग्रेस नेता ने ट्विटर के जरिए कहा, भारत 71 का हुआ और डॉलर के मुकाबले रुपया 70 का हो गया। 2014 में डॉलर के मुकाबले रुपए को 40 पर लाने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्वतंत्रता दिवस का तोहफा दिया है। नहीं भूलना चाहिए कि जब मोदी जी ने सत्ता की कमान संभाली तो उस वक्त रुपए की कीमत 59 प्रति डॉलर थी। किए गए वादे से 30 रुपए का अंतर है। बता दें कि 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 60 के स्तर पर था। आम चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि यूपीए सरकार और रुपए में गिरने का कंपटीशन चल रहा है। उन्होंने कहा था कि जब देश आजाद हुआ था तब एक डॉलर की कीमत 1 रुपए के बराबर थी, जब अटल जी की सरकार थी तब यह 42 रुपए पर जा पहुंची और यूपीए सरकार में इसकी कीमत 60 रुपए तक आ गई। मोदी ने कहा था कि यूपीए सरकार इससे निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा था कि मनमोहन सिंह देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। सीएमआई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 साल में 1.9 करोड़ लोग हुए बेरोजगार, इसलिए पकौड़े बेचने की सलाह दे रही मोदी सरकार। मोदी सरकार पहले ही रोजगार के मुद्दे पर भारी विरोध झेल रही है और अब हाल ही में सामने आई रिपोर्ट उसकी मुश्किलों को और भी बढ़ा सकती है। सरकार रोजगार देने का दावा कर रही है, लेकिन हर साल करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। नवीनतम सीएमआई आंकड़ों के मुताबिक भारत में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या जनवरी 2017 में 40 करोड़ 80 लाख 4 हजार से घटकर जुलाई 2018 में 39 करोड़ 70 लाख 5 हजार हो गई, यानी पिछले 1.5 साल में 1 करोड़ 9 लाख लोग बेरोजगार हो गए। सीएमआई ने ये भी बताया है कि इस दौरान कितने और लोग बाजार में रोजगार के लिए शामिल हुए। गौरतलब है कि भारत में 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र वालों की है, इसलिए यहाँ हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग रोजगार पाने के लिए बाजार में आ जाते हैं। इसी के आधार पर नरेंद्र मोदी ने 2014 लोकसभा के चुनाव में हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद अभी तक वो इस वादे का आधा भी पूरा नहीं कर पाए हैं। सीएमआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जून 2017 और जून 2018 के बीच 2 करोड़ 40 लाख 9 हजार नए लोग कामकाजी आयु आबादी यानी कि 15 वर्ष से ऊपर की आयु में शामिल हो गए होंगे। यहां तक कि अगर कोई मानता है कि उनमें से केवल आधा ही नौकरियां लेने के लिए तैयार थे, यानी शेष महिलाएं जो काम नहीं कर रही है या छात्र इत्यादि है, इसका मतलब है कि लगभग 1 करोड़ 20 लाख 45 हजार लोग नौकरी तलाशने वालों की सेना में 1 वर्ष में जुड़ गए हैं। तो अगर अब इसे देखा जाए तो 1 करोड़ 9 लाख लोग जो नौकरियां कर रहे थे उन्हें तो रोजगार से हाथ धोना पड़ा ही, उनके अलावा जो नए लोग हर साल रोजगार के लिए बाजार में आ रहे हैं उनके भविष्य भी संकट में है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के हाथों से गिरा तिरंगा। कांग्रेस बोली, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले आज राष्ट्र ध्वज का अपमान कर रहे हैं। देश इस साल 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया, मगर इस बीच अमित शाह से बड़ी चूक हो गई। झंडा फहराते वक्त शाह के हाथ से रस्सी छूट गई और झंडा नीचे गिर गया। सोशल मीडिया पर लोग इस झंडे का अपमान बता रहे हैं। इस वीडियो को सरकारी चैनल डीडी न्यूज पर चलाया जा रहा था, जिस दौरान अमित शाह झंडा फहरा रहे थे उस दौरान उनके साथ एनसीसी का जवान भी मौजूद था। जवान ने शाह की मदद की, मगर तब तक देर हो चुकी और झंडा लगभग जमीन पर कुछ सेकंड के लिए गिर चुका था। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अमित शाह ने इसकी तस्वीर तो अपने सोशल मीडिया पर फोटो तो लगाई है, मगर वीडियो उनके अकाउंट से गायब है। शाह ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा,
अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया व स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस वीडियो को ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, जो लोग उस आरएसएस से जुड़े हैं, जिन्होंने 50 साल से ज्यादा देश के तिरंगे का तिरस्कार किया है, उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वालों को राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का अपमान करने का सर्टिफिकेट मिला है क्या? जो देश का झंडा नहीं संभाल सकते वो देश क्या संभालेंगे? 50 साल से ज्यादा देश के तिरंगे का तिरस्कार करने वालों ने अगर ये नहीं किया होता तो शायद आज तिरंगे का ऐसा अपमान न होता। दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वालों को राष्ट्रगान का तौर तरीका तक पता नहीं। की गिरती कीमत के चलते भारत का व्यापार घाटा 5 साल के उच्चतम स्तर पर, $18 बिलियन का नुकसान। रुपया की कीमत डॉलर के मुकाबले लगातार गिरती जा रही है और इसका असर देश की अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों पर नकारात्मक रूप से पड़ रहा है। व्यापार घाटा इसमें से एक है। व्यापार घाटा किसी भी देश के निर्यात और आयात के बीच का अंतर होता है। विश्व के सभी विकसित देश आयात के मुकाबले निर्यात को ज्यादा बढ़ावा देते हैं ताकि उनका व्यापार घाटा न बढ़े। जुलाई महीने में भारत का व्यापार घाटा 5 साल के उच्चतम स्तर पर चला गया है। देश के निर्यात और आयात के बीच $18 बिलियन का अंतर इस महीने रहा। रुपये की गिरती कीमत को इसका बड़ा कारण बताया जा रहा है। मंगलवार को रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले ₹70 से ज्यादा हो गई थी, जो आजाद भारत में इसका निम्नतम स्तर है। गौरतलब है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत की सरकार की नाकामी बताया था। वैसे तो मुद्रा की कम कीमत निर्यात के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि निर्यात की मांग सस्ती मुद्रा के कारण बढ़ती है, लेकिन भारत निर्यात के मुकाबले आयात ज्यादा करता है, इसलिए देश को मुद्रा गिरने से पहले के मुकाबले ज्यादा डॉलर देने पड़ते हैं। इस कारण ये भारत के व्यापार घाटे के लिए घातक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।